देख रहे हैं न्यूज पब्लिक तक, मैं हूं वंदना माहौर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। ताज नगरी में नवरात्र पर भोलेनाथ का अभिषेक और रावण की आरती की गई। लंकापति दशानन महाराज पूजा समिति ने दशहरा पर रावण दहन का विरोध करते हुए दशानन के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। लंकापति दशानन महाराज पूजा समिति द्वारा मिट्टी के शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति बनाकर अभिषेक किया गया। भोलेनाथ के सामने दशानन लंकापति रावण द्वारा रचित शिव तांडव श्रोत किया गया। बदले दौर में लंकापति के आदर्शों को अपनी जिंदगी में शामिल करने का संकल्प लिया गया। शाम को दशानन की आरती की गई। डॉक्टर मदन मोहन शर्मा संयोजक लंकापति दशानन महाराज रावण पूजा आयोजन समिति ने कहा कि रावण का दहन करने का विरोध किया जा रहा है। आम जन से भी अपील है कि वे अपने अंदर के रावण को मारें, रावण का दहन ना करें। मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन शर्मा है। हम समझिए आज क्या कार्यक्रम है। हम लोग रावण के वंशज हैं। हम लोग सारस्वत गोत्र के ब्राह्मण हैं। हम लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, इसीलिए हम लोग हर वर्ष की भांति पूजा करते हैं और आज भी हमने पूजा रखी है। आज हम लोगों ने अभिषेक और शिव तांडव स्त्रोत और आरती का कार्यक्रम रखा है। कल हवन पूजा का कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन पिछले पंचमी से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से हम लोगों ने लोगों में जो सारस्वत समाज के लोग हैं वो एकत्रित होकर हम लोगों ने जो रावण की अच्छाइयाँ उन्हें बताने का काम किया। बुराइयाँ को फैलाने का काम लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ उन्हें बताने का काम कम करते हैं। उनकी जो अच्छाइयाँ उन्हें बताने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू धर्म रीति रिवाज में आप देखते हैं अंतिम संस्कार एक ही बार किया जाता है, लेकिन रावण दहन हर साल क्यों, ये हम लोगों का सवाल है। इसी के तहत हमने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी पोस्टकार्ड के माध्यम से अपील की है। जो लोग पुतला दहन करते हैं उनके खिलाफ FIR की मांग को लेकर हमने पोस्टकार्ड अभियान भी जारी। शर्मा जी एक चीज़ बताइए कि जैसे राम मंदिर को लेकर एक समिति कोर्ट में गई और उन्होंने न्याय मिला, अभी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी गई है, तो आप हम लोग कोर्ट का माध्यम क्यों नहीं अपनाया अगर इसको रुकावट चाहते हैं? हम लोग जागरूक हुए, युवाओं ने संकल्प लिया और हम युवा इसमें कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए युवा एकजुट और एकमत होने जा रहे हैं। इस बार कोरोना के कारण रामलीला मैदान पर रावण दहन नहीं होगा, लेकिन गली मोहल्लों में जरूर किया जाएगा, तो जनता के बीच कैसे मैसेज पहुंचाएंगे? हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जो प्रचंड विद्वान तेजस्वी और जिनने सिर्फ तांडव स्तोत्र का रचयिता है, वो ऐसी कैसे उनके बुराइयों को आप लोग जानते, तो उनकी अच्छाइयों को जाने और अच्छाइयों का जो फैलाएंगे और अच्छाई जो उनकी है, जैसे कि सोने की लंका और जैसे जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो वैद्य को से जो इलाज किया गया था वो भी रावण जी के द्वारा करवाया गया था। तो और जब वो मृत्यु संज्ञा पर लेटे हुए थे तो राम जी ने कहा था कि आप इनसे अपना राजनीति के लिए उनसे सीखिए, ऐसे सुसर नाथिक थे और ऐसे राजा कि हम लोगों को उनके मार्गदर्शन पर आज हम संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में दशहरे को शुभ संकल्प दिवस के रूप में हम लोग बढ़ाने का काम करें।